ये अब जो करना चाहें ये करें, मध्य प्रदेश के मतदाता और राजस्थान के मतदाता सब समझ रहे हैं। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा हो गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है, इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने AICC में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसी की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, CBI को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी, प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं, वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। देखिए, अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी का जो समन आया है, ये 12 साल पुराना केस है। अब ये 6 महीने पहले भी इसको बुला सकते थे, 3 महीने पहले भी बुला सकते थे। चुनाव के टाइम पे जानबूझ के इसलिए उन्होंने समन भेजा है ताकि ये वोटर्स में कंफ्यूजन क्रिएट करें। और भी कई जगह जो छापे हुए हैं, हमारे PCC प्रेसिडेंट समेत जो कई घरों पे, ऑफिसों पे जो छापे हुए हैं, इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार बुरी तरह से डरी हुई है, बौखला गई है कर्नाटका हिमाचल के हार के बाद में। इनको लग रहा है कि जनता को इनका गेम समझ में आएगा। ये जिस तरह से बेरोजगारी पे, गरीबी पे, भुखमरी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, ये इन तमाम मुद्दों पे जिस तरह से ये डिस्कस करना नहीं चाह रही, इन इश्यूज के ऊपर जो है कोई काम करना नहीं चाह रही, सिर्फ जो है नॉन इश्यूज पे जिस तरह से ये लोगों को बहकाती है, लोगों को गुमराह करती है, अभी लोगों को समझ में आ गया। इसीलिए लोग जो है अपोजिशन पार्टीज को और वोट दे रही है और इनको हरा रही है। इससे डर कर ये जो है बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। सिर्फ एक स्टेट में नहीं, आप देख लीजिए अगले 3-4 स्टेट में भी यही करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी सर्वे अभी तक हैं उसमें कहीं पे भी BJP नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस जीत रही है हर जगह, और कुछ जगह जो टक्कर में भी है वो भी नॉन BJP पार्टी है। तेलंगाना की बात करूं, मिजोरम की बात करूं तो ये कहीं सीन में नहीं है। तो इनको लग रहा है कि आप चलो एजेंसीज का इस्तेमाल करके जो है वोटर्स को कंफ्यूज करो, डिस्ट्रैक्ट करो। अगर जब भी वोट इनको नहीं मिलेगा, ये कोशिश करेंगे कि सरकारें बनने ना दें दूसरों के। सरकारें बन भी जाएंगे तो 6 महीने के बाद सरकारें गिराने की भी ये कोशिश करेंगे। इनका जो है मोडस ऑपरेंडी ये रहा है पिछले 9 साल से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।